अस्सलाम वालेकुम तो कैसे हैं आप सब ठीक हैं बेसिकली हमारा आज का व्लॉग जो है वो एक एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर है जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो सबसे ज्यादा जुल्म एक चल रहा है इसराइल का फलस्तीन के ऊपर उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग अपनी ज़ात के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं क्या हम लोग वहा जा सकते हैं अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो हम वहा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोगों का जाना तो सबका पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे साथ किसी की ऐसी सपोर्ट है कि कोई हमें वहां लेके जाए लेकिन जहाज फिर की शबील हम सब मुसलमानों के ऊपर करना जरूरी है अगर हम लोग वहां नहीं जा सकते तो हम अपने मुल्क में रहते हुए सबसे पहले उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं कर सकते हैं और दुआओं के साथ साथ हम लोग सबसे ज्यादा उनके लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा उनको अपने मुल्क में बैठे हुए सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं कि हम लोग इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे जिसके अंदर नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है नेस्ले के बाद हेड एंड शोल्डर है और ऐसे दीगर बेतहाशा ब्रांड है जिनका अगर आप बार कोड स्कैन करें तो सेवन टू नाइन से स्टार्ट होता है वो इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं तो हम इन लोगों को इन चीजों को सबको बल्कि अवॉइड कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोगों को सबको एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा लेकिन हमको इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा ताकि हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को सपोर्ट करें और इन चीजों का अपने मुल्क से खात्मा करें तो हम लोगों को इन सब चीजों के ऊपर जो है वो एक बहुत जरूरी बहुत जरूरी एक एफर्ट करनी पड़ेगी जो आप लोग और मैं हम सब मिलके कर सकते हैं मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है मुश्किल जरूर है क्योंकि ये सब चीजें हमारी फर्स्ट डे से लाइफ के अंदर स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि अगर एक बच्चा इस मुल्क के अंदर पैदा होता है तो वो पहले दिन से ही पैम्पर कंपनी के पैम्पर से लेके आपकी नेस्ले कंपनी का दूध पीना शुरू कर देता है तो ये सब चीजें एक फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती हैं जो एक बच्चे को बड़े होने तक उसके साथ साथ रहती हैं और बच्चा जब इन चीजों को बचपन से यूज करता रहता है तो ऑब्वियसली बड़े होने तक वो इन चीजों का एडिक्ट हुआ हो जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आगे हम लोग जिन चीजों को यूज करवा रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ी एहतियात करें बहुत माइनर सी चीज़ें बिकने वाली हमारी कोका कोला पेप्सी वगैरह हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भी बेसिकली उन्हीं के ब्रांड है तो हम पाकिस्तानी चीज़ों को यूज़ करें वो हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हो हमारे खाने पीने की चीज़ें हो हमारे शैम्पूस हो हमारे सोप हो हमारे कंडीशनर हो हमारी कोई भी चीज़ हो हमारी जो ज़रूरियात की जिंदगी की चीज़ है हमें उनके ऊपर एहतियात करनी चाहिए और बिलखसूस कोई हमें ऐसी चीज़ ना यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे मुसलमान भाई का खून वहां पे हमारे जिम्मे डल रहा हो क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इन चीजों को खरीद के अपने वहां एक भाई या बहन या किसी उनके बच्चे का खून खरीद रहे हो तो हम इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एहतियात करें एक बहुत बड़ी इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर बेतहाशा चीजें बेतहाशा चीजें सामने आ जाती हैं कि कौन सी किस चीज के साथ कौन सी प्रोडक्ट इसराइल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है तो हमें इन सब चीजों को एक बारी पूरा एक कैटेलॉग बनाए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है मैं फिर यही कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है और जैसे कि कि आप सबको एक और चीज भी पता है कि डेली जो है वो चार हजार फूड पर्सन के सप्लाई कर रहा है इसराइल को तो हमें मैकडोनल्ड से भी जो है वो अवॉइड करना है और मर्ज भी इसको लाजमी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमें इसको छोड़ना है और कुछ नहीं हो जाता अगर हम इन चीजों को छोड़ देंगे और हम कुछ और खा लेंगे तो हम अल्लाह माफ करें हम मर नहीं जाएंगे हमें कुछ नहीं होगा लेकिन हम इन्शाला, इन्शाला, रोजे वाले दिन हम लोग इस चीज के गवाह होंगे कि अल्लाह हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया तो अल्लाह ताला इनशा हमारा ये करना भी कबूल करेगा आमीन आज का बेसिकली व्लॉग तो नहीं था ये एक छोटी सी आजकल के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन वीडियो चल रही है ये वो थी तो मैंने भी ये कोशिश करी हो सकता है मेरे देखने से आप में से कोई इस पे अमल करे तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन के लिए दुआ भी करनी चाहिए कि फलस्तान को अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री कर दे इन यहूदियों से और बेशक बेशक ये तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जिसको आप कहते हैं फरमान है कि मुसलमान के कभी यहूदों ने सारा जो है वो दोस्त नहीं हो सकते तो हम क्यों उनकी प्रोडक्ट यूज करें हम पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट करें नो no डाउट जब हम पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो जो कंपनीज अच्छे काम कर रही हैं उनको मजीद अच्छा करने का मौका मिलेगा जब उनको सपोर्ट मिलेगी तो वो और अच्छी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे तो इसलिए पाकिस्तानी चीजों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं पाकिस्तान में बन रही हैं इन चीज़ों को जो है सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा यूज करें और जो ये कंपनी बन, चीजें बनाने वाली है इनशाला हमें इनसे भी उम्मीद है कि ये भी हमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देंगे ताकि हमें किसी और मुल्क की प्रोडक्ट को लेने की जरूरत ही ना पड़े तो इनशाला हम इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे मेरे साथ आप लोग एक बार लाजमी कॉमेंट के अंदर जो है वो इनशाला लिखें और इस ब्लॉग को या इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और फलस्तीन के लिए ढेर सारी दुआएं करें इनशाला अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आसानी करेगा अपना ख्याल रखिए मिलता है इनशाला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज